नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका एमजे परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम कोई भी वीडियो बनाते हैं या आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं। आज हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एसएससी सीजीएल 2019 के रिजल्ट में भी एमजे फिर से सिरमौर रहा है। अभी दो तीन दिन पूर्व घोषित हुए स्टेनोग्राफर में भी अपने तीन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें विनोद शर्मा है, पूनम सैनी है और दीपक यादव है। उन प्यारे विद्यार्थियों का चयन हुआ था। साथ ही सीजीएल 2019 के अंदर हमारे प्यारे विद्यार्थी है जिसका चयन हुआ है, तो महेश यादव का इस वैकेंसी के अंदर इनकम टैक्स असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है। तो मैं इनको इस एमजे परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मेरे साथ में सुरेश जी सर भी हैं और ये आपको दो बातें आपको मोटिवेट के रूप में बताएंगे और आप लोग इनकी थोड़ी सी गौर करके बातों को सुनेंगे। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं अनुज सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे को इतना सम्मान दिया। और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो एक बार एम जे आई कोचिंग से जुड़े आप। यहाँ पर सभी स्टाफ द्वारा सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाता है और आपको सिलेक्शन के बहुत ही करीब पहुँचा दिया जाएगा। अगर आप एक बार एम जे आई कोचिंग आए और यहाँ पर अपने सिलेक्शन को पक्का करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेश आपका और आपको आपके आने वाले उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर आपकी हर प्रार्थना हर उसको मंजूर करे और आपको आने वाले भविष्य के अंदर बहुत सारी खुशियाँ दे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने वाले उज्ज्वल भविष्य के साथ। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं यही बात कहूँगा कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पूर्व वहाँ के वास्तविक रिजल्ट को अवश्य जान लें। हजारों की संख्या में एसएससी वगैरह की इनकी तैयारी करवाई जाती है लेकिन उनका रिजल्ट जीरो रहता है। प्यारे विद्यार्थी, बहुत कम संख्या के अंदर यहाँ पर रिजल्ट दिए जाते हैं। और सभी प्यारे विद्यार्थियों, सभी अभिभावकगण और सभी मेरे मित्रगण जिनका हमेशा से इस इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेम रहा है, उन सभी का मैं हृदय की अंतः गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय एमजीआई।